आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी अलग सी होगी, तो पूरी जरूर देखना। सो गाइस, आज के टाइम पे YouTube पे जाओगे, अगर आप लिखोगे फ्री फायर टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा वन टैप हेडशॉट ट्रिप, QMP हेडशॉट ट्रिप, M887 हेडशॉट ट्रिप, हेडशॉट ट्रिप, हेडशॉट ट्रिक्स, हेडशॉट ट्रिक्स। तो गाइस कोई भी ये नहीं बताता कि यार आपको प्रो कैसे बने। सब बेटी को भाई, हेडशॉट से आप सिर्फ प्रो नहीं बन सकते, सिर्फ आप सिर्फ हेड मार सकते हो, हेडशॉट मार सकते हो, भाई आप प्रो नहीं बन सकते। जो प्रो की टिप्स है गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोर। सो गाइस बात करते हैं सबसे पहली नंबर ट्रिप्स की, जो है बिहाइंड बॉक्सेड हेडशॉट ट्रिक। सो गाइस इसमें होता क्या है, बहुत सी बार अपन जहां पर है वहां एनिमी होता है और गाइस सामने से को मारने में बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस एक छोटी सी ट्रिप देना चाहता हूं कि भाई जब भी एनिमी अगर सामने हो, जैसे कि मेरे सामने एनिमी है, ऐसे मेरा फ्रेंड ही है वो, तो गाइस वो देखो कैसे हेडशॉट मार के दिखाएगा और भाई अपन उस एनिमी एकदम हक्का बक्का हो जाएगा कि भाई इसने हेडशॉट मारा तो मारा कैसे। तो गाइस उसी तरह से एक ये भी कंडीशन आती है कि गाइस उसमें तो अपन को जो बंदे का हेड दिख रहा था, बट जो ये वाले बॉक्सेस होते हैं ऐसे कहीं होते हैं मील वगैरह पे, बहुत सारी जगह पे ऐसे बॉक्सेस भी होते हैं, बट वहाँ जहाँ बंदे का हेड भी नहीं दिखता, तो वहाँ हेडशॉट मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस इसमें एक और टिप्स बताऊंगा कि जब भी बंदा अगर किसके पीछे खड़ा हो, तो मैं आपको दूसरे एंगल व्यू से बताऊंगा कि अगर जो बॉक्स के पीछे बंदा हो तो भाई हल्का सा गेप होता है दो बॉक्सेस के बीच, देख पा रहे हो, तो उससे आप हेडशॉट मार के और बंदे को बिल्कुल चौंका सकते हो। भाई बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि मारा तो मारा कैसे, कि भाई अचानक ही आपको हेड पड़ जाएगा और वो बिल्कुल घबरा जाएगा गाइस कि यार कैसे मार दिया, क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। बात करते हैं अपने सेकंड नंबर ट्रिक्स की, जो है पीक फायर हेडशॉट ट्रिक, जो भाई आज के टाइम पे हर एक बंदा यूज कर रहा है प्रो बनने के लिए। सो गाइस इस ट्रिक्स में होता क्या है, सामने वाले बंदे को अपन बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और जो अपन उसका पूरा बॉडी भाई शो होता है और अपन उसको ड्रैग इजीली पीक फायर से इजीली हेडशॉट मार सकते हैं। तो गाइस बताता हूं उसको कैसे करना है। सबसे पहले घबराना नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी अपन एकदम ओपन लोकेशन में है और अपन को जो अपना एनिमी है वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है और जो एनिमी को अपनी पूरी लोकेशन रिवील हो रही है और वो अपन को इजीली हेडशॉट मार सकता है विदाउट एनी उसको अपनी लोकेशन को रिवील करे। तो गाइस ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, करना कुछ भी नहीं है, जो अपनी जो आपकी जो लोकेशन है आपको हल्का सा पीछे दो कदम हटकर उस पर पीक फायर देना है, जिससे आपकी जो लोकेशन है वो बंदे को रिवील तक भी नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हूँ और मेरा एनिमी सामने, तो गाइस मैंने जहाँ से अपनी पोजीशन से दो कदम पीछे हटे और हल्का सा साइड पीक लिया और मैंने हल्का सा फायर दिया, तो गाइस देख सकते हो आपको लोकेशन भी शेयर नहीं होगी और आपकी इजीली हेडशॉट आप बिना किसी आपको दिखे आप बंदे को एनिमी को मार सकते हो। ठीक है, समझ गया। जो अपनी थर्ड टिप है वो है रैपिड रश। गाइस कई सी बार विंडोज वगैरह से अपन को रश करना होता है, तो गाइस हल्का सा गेप लेते हैं अपन को एनिमी इजीली मार देता है। गाइस अगर अपन को रश करते हुए एकदम बिना रुके बिना मोमेंट को छोड़े भाई आपको करना है, तो एक हल्का सा जंप लेके विंडोज से आप अगर फायर करोगे तो गाइस बिल्कुल एनिमी को इजीली मार पाओगे और हेडशॉट भी मार सकते हो। जैसे कि गाइस देख सकते हो मैंने एकदम इजीली रश करके बिना रुके मैंने हेडशॉट मार दिया। सो गाइस अगर अपन बात करते हैं अपर विंडो की, तो गाइस जैसे अपन जंप करते हैं तो एनिमी को अपन को मारने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है और यहीं अगर अपन विंडो से हल्का सा जंप लेके उस पर फायर करें तो गाइस अपन इजीली एनिमी को क्लियर कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा और बिना रुके अपन उसको एकदम क्लियर कर सकते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। सो गाइस हमारी जो फोर्थ नंबर की टिप है वो है एम फिक्सिंग। तो गाइस बहुत सी बार अपना जो एम है वो हल्का सा एनिमी से मिसबैलेंस हो जाता है, तो गाइस उसको फिक्स करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एनिमीज के पास जब भी आपका एम जहाँ भटक रहा हो तो गाइस तुरंत आपको स्कोप खोलना है, स्कोप खोलते से आपको ड्रैग हेडशॉट करना है जिससे आपका एकदम परफेक्ट हेडशॉट लग जाएगा और लॉन्ग रेंज में सबसे बेस्ट हेडशॉट टिप यही होती है जहाँ आपका बिल्कुल एम बिल्कुल मिस नहीं होगा। उससे मेरा क्या फायदा? तो गाइस फायदा तो बहुत है कि आप एक नेक्स्ट लेवल प्रो प्लेयर बन जाएंगे और अगर आपको हेडशॉट वगैरह और भी टिप जैसी टिप्स चाहिए तो गाइस मैं और भी लाता रहूंगा। और गाइस अगर आपको हेडशॉट वगैरह तो मैंने भाई बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी डाल रखी तो गाइस वो भी चेकआउट कर सकते हैं और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस के ये टिप्स सच में काम आई, तो गाइस मैं ऐसी और भी टिप्स लाऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक ही, मिलते किसी और वीडियो में, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।